हेलो फर्स्ट ईयर, और ये हमारा बोनस टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो जो असंघात रैखिक समीकरणों का निकाय है, इसके इसके जो संगतता है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जल्दी से हम उसका एक ओवरलुक देखेंगे और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसके लिए आपको ये मेथड याद होना चाहिए, जो जो कंडीशंस मैं यहाँ बता रहा हूँ वो याद होनी चाहिए। उसके उसके बेस पे हम ये सवाल को डील यहाँ पर करने वाले हैं। छोटा सा एक लेक्चर होगा 10 या 15 मिनट का, और जल्दी से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। क्विक रिविजन के लिए आप ये टॉपिक देख सकते हैं, ये आपके पेपर 1 की यूनिट 2 से रिलेटेड है। तो इसलिए जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे ये वीडियो अवश्य देखिए, ताकि आपको एक दिमाग में तरीका अच्छे से बैठ जाए। इंग्लिश में रहेगा बट ऑब्वियस मैं हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन है वो साथ में करता जाऊंगा। सो मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इस तरीके का है। लेट द सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स इज गिवन एज फॉलो। तो किस तरीके का ये सिस्टम है? a11 x1, a12 x2, सो ऑन, a1n xn इज इक्वल्स टू b1, a21 x1, a22 x2, प्लस सो ऑन, a2n xn इज इक्वल्स टू b2। सिमिलरली लास्ट इक्वेशन विल बी am1 x1, am2 x2, सो ऑन, amn xn इज इक्वल्स टू bm। दीज आर m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, यानी कि n चरों में हमको m इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो रहता है, मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम लिखते हैं ax इज इक्वल्स टू b। तो जो ए मैट्रिक्स रहेगी, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो इस तरीके से रहेगी, a11 a12 a1n, a21 a22 a2n, एंड सो ऑन, am1 am2 amn। सो ए विल बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एक्स विल बी द वेरिएबल मैट्रिक्स। इसमें सारे वेरिएबल्स आएंगे, x1 x2 से लेकर xn तक वेरिएबल्स आएंगे। और ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है, इक्वल मैट्रिक्स जो है, वो इस तरीके से रहेगी, b1 b2 से लेकर bm तक आपको मिलेगी। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म, तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, जो हमको सवाल दिया होगा, ये चीज जो होगी ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमारा क्वेश्चन है, और जो पहला स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो है, हमको इसको किसके फॉर्म में लाना है? मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको ले आना है। नेक्स्ट हमारे जो स्टेप 2 रहेगा, हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ये है ए, लाइन खींच के एक क्या लिख देना है, बी को हमको लिख देना है। ओके, इस तरीके से हमको ले आना है। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी, यदि इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, a11 a12 a1n, और एक लाइन खींच दिया हमने, यहाँ पे क्या लिख देंगे, b1। इस तरीके से a21 a22 a2n, यहाँ b2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आखिरी स्टेप am1 am2 से amn, तो यहां पर आ जाएगा bm। बस a और b को साथ में साइड बाय साइड हमने लिख दिया, वो बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, संपोषित या संपोषित आव्यूह जिसको हम बोलते हैं, ये रहता है। स्टेप 3 जो हमको करना है, इसमें हमको क्या लगाना है? स्टेप 3 इसमें हमको लगाना है कन्वर्ट a ऑगुमेंट b
इनटू एशेलॉन फॉर्म, एशेलॉन फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म्स, यानी सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, और कोई दूसरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एशलॉन फॉर्म में आप ले आए तो इससे क्या निकल जाएगा, आपको रैंक निकल जाएगा ए ऑगमेंट बी का। इसी का जो सब स्टेप है, सब स्टेप यही हमको करना है, करने की जरूरत नहीं रहती, इसी से आ जाता है, इसी स्टेप में वो शामिल रहता है। अप्लाई आइडेंटिकल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिक्स ए टू फाइंड रैंक ऑफ ए। अब यहां से कंसिस्टेंसी की डीलिंग हम यहां पर करते हैं, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। स्टेप फोर, यहीं से कंसिस्टेंसी आपको पता लगेगी। यदि नंबर एक, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंट बी, तब हम लिखेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जो निकाय है वो कैसा है, असंगत है, यानी नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी, कोई वाई की वैल्यू नहीं होगी, कोई जेड की वैल्यू नहीं होगी, किसी भी चीज की वैल्यू नहीं निकलेगी, सिर्फ लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नंबर दो, यदि रैंक ऑफ ए बराबर आ रहा है रैंक ऑफ ए ऑगुमेंट बी के, तब हम कहेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, निकाय कैसा है, संगत है, और इस केस में सॉल्यूशन होगा, देयर विल बी अ सॉल्यूशन, पर कितने सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगुमेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी कि कितना, एन, एन के बराबर हो तो होगा सिस्टम हैज, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या है, एक अद्वितीय हल है, एक, सिर्फ एक एक वैल्यूज होंगी, एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू, जितने भी वेरिएबल सबकी एक ही वैल्यू होगी, एक ही सॉल्यूशन। और इन केस यदि रैंक ऑफ ए बराबर होता है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी पर छोटा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, यानी एन से क्या होता है, छोटा हो जाता है, तब सिस्टम हैज, सिस्टम has infinite many solution, infinite many solutions, यानी कि अनंत संख्या में हल होंगे। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो हम किसी दिन क्वेश्चन से समझेंगे, पर अब हमारे पास ये हो गए, इन्हें करना क्या है, स्टेप वन आपको क्या दिया होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, उसको लाना है मैट्रिक्स फॉर्म में, उससे बनाना है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और ए का रैंक निकालना है, क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म, उसको चेंज करना है एशलॉन फॉर्म में। एशलॉन फॉर्म सबको पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन, उसके नीचे जीरो, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वन, उसके नीचे जीरो, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट वन, उसके नीचे जीरो, इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। रो ऑपरेशन ही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। दोनों का रैंक निकल गया, दोनों का रैंक बराबर नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों का रैंक बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी बराबर है, तो यूनिक सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू निकाल के दिखाना है। यदि रैंक बराबर है लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा है, तब इस केस में क्या होगा कि दो जो वेरिएबल है किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकलेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जेड के फॉर्म में निकल जाएगी, या वाई और जेड की वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकल जाएगी, इस तरीके से आगे सो ऑन सो फोर्थ होगा। और आप जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू बदलेंगे बाकी दोनों की वैल्यूज बदलती जाएंगी, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इस पे एक बेस्ड कंडीशन का जो सवाल आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं फोटो इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत बार आया हुआ है, वो चीज़ आप यहाँ पर देखिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे भी इसमें आपको दिख रहे होंगे कि रविशंकर में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन का सवाल है,
इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस, ट्राई ऑफ इक्वेशंस, यहाँ सामने दिख रहे हैं आपको इक्वेशंस, हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनिटी ऑफ सॉल्यूशंस। ये तीनों कंडीशन जो हमने अभी देखी कंसिस्टेंसी की, वही हमको यहाँ पर पूछा है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन हमको जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लिख लें एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन सही उतारना है हमको, कई बार ये लीनियर फॉर्म में दिए रहते हैं, एक ही लाइन में लिखे रहते हैं, उस समय और ध्यान से इनको उतारना है, इसलिए बहुत आराम से आप इनको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। ये हमको सिस्टम मिल गया, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दें, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म विल बी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ए मैट्रिक्स जो होगी वो होगी 1 1 1 1 2 2 देन 1 3 लैम्डा, देन वेरिएबल विल बी एक्स वाई जेड एंड द इक्वल मैट्रिक्स विल बी 6 10 म्यू। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, augmented matrix will be A augment B. So this will be like 1 1 1 1 2 2 1 3 lambda, एक लाइन खींच ली हमने, 6 10 mu. So this will be augmented matrix. Now we have to apply elementary transform. So just straightforward, R2 R2 minus R1, या फिर R21 minus 1, then R3, R3 minus R1, R31 minus 1. So A augment B will be equivalent to 1, 1, 1, 6, then 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 4 minus 6 is 4. 10 minus 6 is 4. Then 1 minus 1 is 0. 1 minus 2 is 1. Lambda minus 1 is my lambda minus 1. And then mu minus 6. Let me erase that. Mu minus 6. So this is the first step of echelon form. Then the second step will be obtained by R3, R3 minus R2. So R3 2 minus 1. So A augment B is equivalent to 1 1 1 then this is 6, 0 1 2 this is 4, then 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 1 lambda minus 1 minus 2 is lambda minus 3, mu minus 6 minus 4 is mu minus 10. So as you can see, हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक किस पर डिपेंड कर रहा है, the rank of A augment B depends on values of lambda and mu applying. Now आपको याद क्या रखना है, ये लाइन हमेशा याद रखिए, applying identical elementary row transformations missions on A matrix A, we get capital A is equals to 1 1 1 0 1 2 0 0 lambda minus 3. कैसे लिख दिया मैंने, जादू से कैसे लिख दिया इसको, यहां से लिखा, ये ए मैट्रिक्स है आपके सामने, दिख रही है ए मैट्रिक्स, उसी को मैंने यहां पर लिख दिया, कोई जादू नहीं है, बस हमने पहले ही काम कर लिया है इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। और यहां से देखिए, रैंक ऑफ ए डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो लेट अस स्टार्ट नंबर वन, नो सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन कंडीशन है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑर्गुमेंट बी।
सो यदि रैंक ऑफ ए 2 हो जाए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट भी 3 ही रहे, तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए 2 होने के लिए, हमारे पास क्या है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2। लैम्डा ऑलरेडी 3 है पर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 10, तब रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए यहां पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यदि 0 ना हो, ये 0 हो जाए, यानी ये 0 हो जाए, ये वाली चीज 0 हो जाए, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो, तो दोनों का रैंक अलग अलग हो जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या आ गई, कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 होगा बट म्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू 10। नंबर 2, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल विच इज इक्वल्स टू 3। तो 3 होने की कंडीशन क्या है, 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 होने के लिए लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, से रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 और म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी यहां पर 0, ये 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी ऑलरेडी इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो ही गई है, तो इसलिए हमको म्यू की वैल्यू की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, म्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से नंबर तीन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी तो होगा पर ये लेस देन 3 होगा। तो हम एक सबसे छोटा सा एक पहला स्टेप ही देखते हैं कि इक्वल टू 2 हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 होना पड़ेगा, यानी ये तो 0 हो जाएगा, यला 0 हो जाएगा, और इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, म्यू को 0 करने के लिए म्यू इज इक्वल्स टू 10। तो ये आपकी कंडीशन हुई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, ये आपकी कंडीशन हुई यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और ये आपकी कंडीशन हुई नो सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये जो 3 कंडीशन हमने यहाँ ऊपर लिखी है, इनके बेस पे, ये जो 3 कंडीशन है इनके बेस पे इसका सॉल्यूशन निकला है। इस वीडियो को एक से अधिक बार देखिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से डेफिनेशन को हम आंसर में ट्रांसलेट करते हैं, ताकि आपको इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो इस तरीके के सवाल कभी कभी आ जाते हैं जिसमें कंडीशन का या कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है कंडीशन के बेस पे, तो वो आपको बनाते आना चाहिए। इस क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को एक से अधिक बार देखिए, और यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप इसका जो भी कंफ्यूजन है वो भेज सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।